हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वी एन इहाना पर। तो आज एक बार फिर हम आपको भारत की एक बहुत ही खास जगह के बारे में बताने वाले हैं, जिसे भारत का दूसरा ताजमहल या फिर भारत का मिनी ताजमहल के तौर पर भी जाना जाता है। इस जगह आपको हूबहू ताजमहल की जैसी एक खूबसूरत इमारत के साथ चारबाग स्टाइल का एक बहुत ही विशाल बगीचा भी देखने को मिलेगा। तो इस जगह की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जिस मिनी ताजमहल की हम बात कर रहे हैं वो है बीबी का मकबरा, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी करीब 5 से 6 किलोमीटर रहती है, जिसे आप किसी भी ऑटो वगैरह से आसानी से पूरी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पहुँचकर अगर यहाँ के टिकट की बात करें तो भारतीय पर्यटकों के लिए यह 25 रुपये का रहता है और साथ ही फॉरेन नेशनल्स के लिए इसकी प्राइस 300 रुपये रहती है। और अगर आप 15 साल से कम एज के हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। फिर टिकट लेकर बीबी का मकबरा प्रीमाइसिस में जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको दोनों ओर ये बहुत ही खूबसूरत बगीचा दिखाई देता है और साथ में जो मेन एंट्री गेट है वो आपको सामने दिखाई देगा। वहीं पे आपका जो टिकट है वो चेक होता है और साथ ही यहाँ पे जो स्कैन अगर आप इसको करते हैं तो आपको बीबी का मकबरा की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पर मिल जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से एंट्री होती है, जहाँ पे जो आपको टिकट के रूप में जो टोकन मिला है उसको यहाँ स्कैन करना होता है और स्कैन करके आप आगे जा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो ये मेन एंट्री गेट है वहाँ पे भी बहुत सारी खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स बनी हुई है, जिन्हें देखे बिना आप आगे नहीं बढ़ने वाले। और उसके बाद सामने ही आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता हुआ ये मिनी ताजमहल, मतलब कि बीबी का मकबरा दिखाई देता है, जो दोनों ओर अपने जो बहुत ही खूबसूरत बगीचा है और उसके साथ बैकग्राउंड में बहुत ही हरी भरी पहाड़ियाँ हैं उनके साथ वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इस जगह से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं तो जब भी हम ताजमहल जाते हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट की इतनी ज़्यादा भीड़ यूजुअली हमें मिलती है कि हम आसानी से जो ताजमहल के बैकग्राउंड के साथ इस पोजीशन में फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे बीबी के मकबरे में आपको जो बैकग्राउंड है वो प्योर ताजमहल जैसा ही दिखने वाला है और उसके साथ में आप फोटोग्राफी इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट की काफ़ी कम भीड़ आपको देखने को मिलती है। और इसके साथ ही जो पीछे बैकग्राउंड है हरी भरी पहाड़ियों का और दोनों तरफ जो गार्डन का, वो भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर बीबी का जो मकबरा है, अगर उसकी हिस्ट्री की बात करें तो बताया जाता है कि इसे जो औरंगजेब का बेटा था आजम शाह, उसने अपनी माँ की याद में बनवाया था, जो भी अपने आप में इस मकबरे को एक बहुत ही खास बनाता है। साथ ही बताया जाता है कि जो इसका आर्किटेक्चर है वो हूबहू ताजमहल से ही कॉपी किया गया था। तो जो इस मकबरे का जो ऊपर का जो चबूतरा बना हुआ है मकबरे पे, वहाँ तक जाने के लिए आपको यहाँ पे एक सीढ़ियाँ दिखाई देती है, उनके थ्रू आप इजीली ऊपर पहुंच सकते हैं। और ऊपर पहुंचने के बाद आपको एक बड़ा सा एक लाल पत्थर का ये चबूतरा दिखाई देता है और सेंटर में जिसके आपको ये जो मकबरा है वो दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मकबरे के चारों तरफ ताजमहल की तरह ही चार मीनारें आपको देखने को मिलेगी और ये पूरा जो आर्किटेक्चर है मकबरे का, ये आपको वाइट कलर में ही दिखाई देता है। और जो इसकी हिस्ट्री है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो मीनारे हैं ये पूरी तरह से संगमरमर की नहीं बनी है ताजमहल की तरह, इसमें जो लाल पत्थर है उसका भी इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा ये जो चारबाग स्टाइल का, जो मुग़ल स्टाइल का ये बगीचा है, उसके एकदम सेंटर में ये मकबरा मौजूद है। तो फाइनली हम आपको अब मुख्य मकबरा जो यहाँ पे है उसके अंदर लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये एंट्री गेट है उसके ऊपर भी दीवारों पर और जो ये जो ऊपरी हिस्सा है उसमें बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई है और साथ ही एक छोटा सा गेट है जिसके थ्रू आप इस मकबरे में अंदर जा सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इमारत है ये एक अष्टकोणीय इमारत है, जिसके जो तीन साइड में एक जालीदार खिड़कियाँ लगी हुई है और एक तरफ एंट्री गेट है।
इसका जो आर्किटेक्चर है ये इसी तरह से किया गया है कि यहाँ पे एक तो आपको बहुत ही ज़्यादा शांति फील होगी, और साथ में जो इतनी सारी यहाँ पे खिड़कियाँ हैं और काफ़ी सारे ऊपर की तरफ भी काफ़ी सारी खिड़कियाँ रहती हैं, उनसे अंदर का माहौल एकदम ठंडक भरा रहता है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये जो मकबरा है वो एक चारबाग स्टाइल का जो एक बहुत ही विशाल बगीचा है, बहुत ही जिसे खूबसूरती से मेंटेन किया गया है, उसके एकदम बीचों बीच ये स्थित है। तो आप यहाँ पर इस मकबरे के जो चारों तरफ जो चबूतरा बना हुआ है वहाँ तो घूम ही सकते हैं, और वहाँ घूमते हुए आप फोटोग्राफी के साथ ही चारों तरफ का जो नज़ारा है इस खूबसूरत बगीचे का उसका भी आनंद ले सकते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी अपने आप में इसे एक बहुत ही खास बनाता है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि इसको ताजमहल के जैसा ही बनाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन शायद कुछ बजट लिमिटेशन की वजह से इसमें पूरी तरह से जो संगमरमर है मार्बल है उसका उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे जो नीचे की दीवारें हैं वो आपको मार्बल की दिखेगी और ऊपर चूना पत्थर से ही बनी हुई दिखेगी। साथ ही जो इसकी लोकेशन है, जो चारों तरफ जो आपको हरियाली दिखेगी और जो बैकग्राउंड में काफ़ी सारे पहाड़ दिखते हैं हरे भरे, वो भी इस लोकेशन को अपने आप में बहुत ही स्पेशल और ख़ास लोकेशन बनाता है। अगर यहाँ मिलने वाली फैसिलिटीज़ की बात करें तो पीने का पानी आपको जो मेन एंट्री गेट है जहाँ पे आपका टिकट टोकन स्कैन होता है उसके जस्ट बाहर मिल जाता है, और वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटी आपको इस जो बगीचा है उसके एक साइड में मिल जाएगी। और अगर खाने पीने की बात करें तो आपको जो मेन एंट्री गेट है उसके बाहर कुछ छोटी मोटी काफ़ी सारी दुकानें और इसके साथ ही स्टॉल्स वगैरह भी मिल जाएगी। तो इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो जो बीबी का मकबरा है उससे रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज का आंसर ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये हमारा भारत का जो मिनी ताजमहल है उसका व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।